हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल बाल जोशी में आपका विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष सूर्य ग्रह के ग्रह गोचर अनुसार मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह गोचर में सूर्य देव जो कि 15 जून 2021 को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हर 13 से लेकर 17 तारीख तक सूर्य देव हर महीने की 13 से लेकर 17 तारीख तक ग्रह परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार इस समय जून में 15 जून 2021 को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य जो है अपना प्रभाव 5 दिन के भीतर दिखाता है और जो मंगल है वो मध्य के दिनों में अपना प्रभाव दिखाता है और गुरु जो है हर दो महीने के मध्य में अपना प्रभाव दिखाता है और शनि जो पूरे साल रहता है 6 महीनों में परिवर्तन होता है तो 6 महीने के बाद परिवर्तन जो उसका प्रभाव रहता है शनि का वो 6 मंथ के बाद उसका प्रभाव आपको देखने लगता है। इसी प्रकार सूर्य का जो प्रभाव रहता है वो महीने के सिर्फ 5 दिन जो मतलब 15 तारीख को चेंज हो रहा है तो 15 से 20 इस बीच में ही उसका प्रभाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो मैं सूर्य देव की आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि सूर्य देव हमारे 15 जून 2021 को ग्रह गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। इस सूर्य देव का परिवर्तन हमारी 12 राशियों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या नुकसान, क्या फायदे, क्या उपाय, वो सभी आपके लिए मैं इस चैनल पे वो सभी उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेष राशि के लिए सूर्य देव कैसा प्रभाव करेंगे। सूर्य जो कि मिथुन राशि में प्रभाव कर चुके हैं तृतीय स्थान में, मतलब राजकीय सम्मान, कोई अगर नेता या कोई पॉलिटिशियन है तो उनको पूरे पूरे चांस है कोई राज के सम्मान मिलने के, कोई नया पद मिलने का, उनका मान सम्मान बढ़ने का अगर वो राजनीति के क्षेत्र में है। जो मेहनत आपने की उसका आपको पूर्ण रूप से परिश्रम मिलेगा, आपके जो राज के सम्मान प्राप्त होगा गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी मामलों में कोई ऐसी बड़ी आपको उन्नति प्राप्त हो सकती है। सरकारी मामले में आपको कोई ऐसा पक्ष आपके मिसाइल अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको पूर्ण न्याय मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। कोई गवर्नमेंट सर्विस अगर कर रहे हैं तो उसमें उच्च पद प्राप्त होने के पूर्ण योगी। ये मेष राशि वालों के लिए मैंने आपको बताया। वृषभ राशि के लिए इस समय धन स्थान पे सूर्य देव प्रभाव कर रहे हैं। धन में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न कर सकता है, धन में कोई ना कोई ऐसी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, गृह कलेश हो सकता है, पारिवारिक संबंध में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करा सकता है, इसलिए कृपया इस बात से सावधान रहे। मिथुन राशि के लिए इस समय लग्न में ही सूर्य होने के कारण स्वभाव में व्यक्तित्व में कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपको उत्पन्न कराएगा। आप मिथुन राशि एक वायु राशि है, सूर्य वायु राशि में इस समय ग्रह गोचर कर रहा है, इसलिए आपको शीत कफ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सर्दी जुकाम बढ़ सकता है, कफ आपको जम सकता है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तित्व में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर सकता है, गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर है तो उसमें थोड़ा सावधान रहे, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करा सकता है। कर्क राशि के लिए हानि का समय रहेगा, खर्च व्यर्थ का खर्च इस समय बढ़ जाएगा सूर्य देव का। ये जो 5 दिन तक इसका प्रभाव 5 दिन तक रहेगा तो 5 दिन के भीतर आपका खर्च अधिक बढ़ जाएगा, हानि आपको किसी प्रकार की बड़ी हानि भी हो सकती है, व्यर्थ का आप कहीं अगर जाने का योग बन रहा है तो उसे टाले। कृपया 5 दिन तक आपका समय 5 दिन तक इसका प्रभाव रहता है तो इसलिए आप इस पर थोड़ा ध्यान रखें। कहीं व्यर्थ में अगर जा रहे हैं 20 तारीख तक तो कृपया ना जाए, व्यर्थ के खर्च करने से बचें। सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि का ही स्वामी सूर्य होता है जो मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है। आपको कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा लाभ मिलने के पूर्ण संकेत है, कहीं बाहर जाने के उन्नति के पूर्ण योग है। संतान पक्ष के लिए भी ये महा आपके लिए उन्नति पूर्ण रहेगा, संतान के लिए ये पक्ष में रहेगा। संतान अगर कोई नया परीक्षा दे रही है या नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उनके लिए पूर्ण उन्नति पूर्ण समय रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय दशम स्थान पे हमारे सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति का पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा क्योंकि दशम स्थान पे सूर्य इस समय ग्रह गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में पिता के स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में नया व्यवसाय अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण उन्नति के अवसर है, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कोई ना कोई आपके जो सह कर्मचारी है कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, कृपया इस बात का ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए ये थोड़ा गर्म मिजाज का समय रहेगा इस समय,
क्योंकि तुला राशि का स्वामी इस समय भाग्य उत्पन्न है, क्यों किंतु तुला में सूर्य नीच का होता है, तो इसलिए उसका सूर्य जो उसका प्रभाव रहेगा वो नीच का ही रहेगा, कोई ना कोई हानिकारक तो देगा ही। भाग्य की उन्नति भी होगी इस समय, भाग्य विकास करेगा, भाग्य की उन्नति होगी, जो मेहनत की उसका पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा, किंतु सूर्य उसको गर्म मिजाज का बनाएगा, आप जो धैर्य रख सकते हैं वो आपको धैर्य नहीं रखने देगा, उसमें कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम सूर्य होने वाला है, बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा कलेश से भरा ये माह रहेगा आपके लिए, क्योंकि अष्टम सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम स्थान जो है मृत्यु स्थान होता है, वो सबसे कुंडली के जो भाव होते हैं उसमें अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है, वो सबसे पाप भाव माना जाता है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई ना कोई धन से बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कर्ज का माहौल बना रह सकता है, कोई आपने अगर धन लिया है तो उसमें कर्ज आपका अधिक बढ़ेगा, वो लोग आप परेशान कर सकते, शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न कर सकते हैं, स्वभाव में व्यक्तित्व में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा जिससे आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों के लिए सप्तम में ही सूर्य है जो अपने लग्न को देख रहा है, आपको तेजस्वी बनाएगा, नए कोई गवर्नमेंट संबंधित कोई नया कार्य आपको प्राप्त होगा, गवर्नमेंट से संबंधित पूरे पूर्ण सहयोग मिलेंगे आपको, पिता का पूरा सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा, हड्डी संबंधित कोई परेशानी जरूर बढ़ सकती है, तो कृपया उस बात का ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए ये छठा सूर्य रहेगा तो शत्रु कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, जो शत्रु छुपे हुए हैं वो आपके सामने भी आएंगे, किंतु 20 जून 2021 के बाद, क्योंकि 5 तारीख इसका प्रभाव रहेगा, तो शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, कृपया इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय विद्या, कोई ना कोई नया कार्य, कोई ना कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, कोई ना कोई आप एक नई विद्या, कोई ऐसी नई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आपके सीखने की तीव्र इच्छा इस समय प्रकट होगी और आप उसको सीखेंगे। संतान भी इस समय अगर कोई नई परीक्षा दे रही है या कोई नई शिक्षा प्राप्त कर रही है तो उसमें आगे के लिए भविष्य के लिए उनके लिए बहुत उन्नति कारण ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो उन्नति कारण होगा, जो भविष्य में बहुत लाभकारी आपके लिए प्राप्त होगी। अगर नया कोई आप धार्मिक कार्य आप अवश्य कर सकते हैं, इस समय आपके धार्मिक कार्यों की योजना बनेगी कुंभ राशि वालों के लिए, इसलिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करना, मतलब चतुर्थ स्थान पे इस समय सूर्य देव आ जाएंगे, सुख समृद्धि, नया वाहन, नया मकान खरीदने के पूर्ण योग बन सकते हैं, कोई बड़ा धार्मिक कार्य करा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत ही सुखपूर्ण वातावरण रहेगा, आपके जो ससुराल पक्ष वाले वो आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। इस समय धार्मिक एक कोई बड़ा कार्य भी आप करा सकते हैं, कहीं किसी टेम्पल किसी धार्मिक स्थल पे जाने का योग अवश्य बन सकता है, जहां जाके आप कोई ऐसा बड़ा कार्य करें तो ये आपके लिए पूर्ण लाभ और पूर्ण भाग्य के लिए एक विकास पूर्ण अवसर रहेगा, तो कृपया इस कार्य से पीछे ना हटे, जितना सहयोग हो सकता है अवश्य करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं साप्ताहिक राशिफल, मंथली राशिफल, डेली राशिफल और राशियों के जो ग्रह गोचर समय राशि जो परिवर्तन कर रहे हैं ग्रह, उन सब के लिए मैं नए नए वीडियो बना के मोटिवेशन वीडियोस भी आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं। इसी प्रकार से मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो। मैं इसी प्रकार से लोगों की जन कल्याण के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल चलाया है, जिससे लोगों की जो भी समस्या हो, जो भी उनको मार्गदर्शन चाहिए हो, मैं उनको प्राप्त करा सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त उन्हें उपलब्ध करा सको। इसलिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे उनकी सहायता हो सके, उनकी जो समस्या है उनका समाधान प्राप्त हो सके। अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उसमें भी आपको आपकी समस्या का समाधान आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कराऊंगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो ग्रह गोचर सूर्य का ग्रह गोचर आपके लिए मंगलकारी हो, जो भी बाधाएं हो उसका उपाय मैंने आपको बता दिया, उस प्रकार से उपाय करके जो भी आपकी समस्या हो उसका समाधान करें और ये पूरा माह आपके लिए मंगलकारी हो और पूर्ण रूप से आशापूर्ण हो, यही